everyone, good morning and namaskar from Anjarle Beach. Welcome back to our channel and I hope you all are doing good. हम आ गए हैं एक और ब्लॉग लेकर. अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और यहाँ सनराइज होने ही वाला है. We are here in the month of January and current temperature is 18 degree Celsius. So यह ब्यूटीफुल बीच है महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से विलेज अंजारले के पास. And we have a plan to stay here for next 2 days. We'll explore nearby places. So यह बीच एक महाराष्ट्र के कुंकन जो रीजन है वेस्टर्न कोस्टल एरिया वहाँ पे है. और यह बीच बेसिकली दो हिल्स के बीच में है आप देख सकते हैं. और ये लगभग 2 किलोमीटर लंबा बीच है. यहाँ एक नदी जिसका नाम जोग है वो आके मिलती है इस रिवर में. और जहाँ पे इसका संगम होता है वो प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल होता है. अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो नियरेस्ट प्लेस आपको दापोली आना होगा. वहाँ से आप फिर ऑटो रिक्शा और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस से भी आ सकते हैं. सो यह प्लेस पुणे से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है. और हमने वहाँ से स्टार्ट किया. लगभग हमको 5 से 6 घंटे लग गए यहाँ पे पहुँचने के लिए. So we started our day with this beautiful sunrise and beach, and please enjoy this scenic view with us. सनराइज़ व्यू एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए तुरानकोर बीच रिसोर्ट जहां पे हम स्टे कर रहे हैं. और ये जो रिसोर्ट है बेसिकली बीच से कनेक्टेड है. अब हार्डली 1 or 2 मिनट्स में बीच पे पहुंच सकते हैं. ये बेसिकली होम स्टे है और यहां पे जो रूम्स है काफ़ी वेल मेंटेन्ड है एंड स्पेसियस रूम्स हैं. Easily 4 to 5% can accommodate in one single room. And surrounding is full of coconut trees, betel nut trees and few banana trees as well. और जो फूड सर्व करते हैं वो होम मेड रहता है लाइक ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर. एंड बोथ ऑप्शन आर अवेलेबल लाइक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन. सो इन ब्रेकफास्ट वी हैड पोहा विच इज़ वेरी कॉमन इन कोंकण रीजन. सो इन पोहा दे पुट सम कोकोनट क्रश ऑन इट which enhance the taste. We are on first floor of this homestay and आप चिड़ियों की आवाज़ वगैरह सुन सकते हैं. बहुत ही scenic view है and बहुत ही peaceful जगह है. I mean to say. One thing to notice here is like there is a no network coverage except Vodafone Idea. Good thing is that यहाँ पे Wi-Fi है. वहीं पे मैंने एक boiler देखा जो कोंकण region में usually सारे stay में होता है. पानी गर्म करने के लिए use करते हैं. और इसके bottom में लकड़ी वगैरह जला के इसको heat up किया जाता है. और ये basically वो नहाने वगैरह के लिए या फिर common use के लिए use करते हैं. हालांकि यहाँ पे सेपरेट गीजर्स है इन एवरी रूम. कुछ यहाँ पे क्लिक्स वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह थे कोकोनट ट्री. ये बेसिकली बीटल नट है जिसको हम सुपारी भी बोलते हैं. ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वापस बीच पे आ गए और हम यहाँ एंजॉय करेंगे. अभी आप देख सकते हैं बीच कितना क्लीन है और यहाँ पे कुछ भी पॉल्यूशन नहीं है.
Rian, Rian, are you enjoying? Hey, Rian, are you enjoying? Yes. It's so fun? Yes. Like it? This is so relaxing and peaceful beach. और यहाँ पे आप फ्रेंड्स फैमिली और किड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये संडे का दिन है और यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। बेस्ट टाइम जो है यहाँ आने का वो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक है। प्लीज़ अवॉइड इन समर डे। अभी दोपहर के कुछ 12 बज रहे होंगे और हमने यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय किया। बच्चों ने यहाँ पे सैंड टॉयज के साथ उन्होंने एंजॉय किया और यहाँ पे मैंने भी आई ट्राइड सम मेकिंग वन होल इन द सैंड एंड आई पुट माय फोन इनसाइड इट एंड आई टुक जस्ट दिस पिक। होप यू लाइक इट। बीच पे 2-3 घंटे एंजॉय करने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे और वी आर कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट। सो हम वापस होम स्टे में गए और वहाँ पे वेजिटेरियन फूड दे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर अस एंड यहाँ पे एक वेजिटेरियन थाली थी फॉर वेजिटेरियन एंड नॉनवेज लवर्स के लिए स्पेशली यहाँ पे चूल्हे भी बनाया जाता है लाइक फिश प्रॉन्स। सो यू कैन सी हियर बेसिकली थाली में दाल छोले गोभी की सब्जी आम्रखंड पापड़ चपाती और ये स्पेशल सोल कड़ी और ये कोंकण स्पेशल मोदक। सो ये मोदक बेसिकली कोकोनट क्रश गुड़ और इलायची को मिक्स करके बनते हैं। इसमें फीलिंग होती है और ये राइस का है बेसिकली। इसको स्टीम करके कुक किया जाता है जो घी के साथ खाते हैं। ये वाकई में डिलीशियस होता है। सो लंच के बाद हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया रिलैक्स करने के लिए। सो वी जस्ट रिलैक्स फॉर 1 आवर हमने रेस्ट किया एंड उसके बाद हमको जाना है लाइट हाउस। वी वांट टू विजिट एंड अभी हम निकल रहे हैं लाइट हाउस विजिट करने के लिए और रास्ते में ही एक सी टर्टल प्रिजर्वेशन एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है बेसिकली वहाँ पे जो सी टर्टल्स हैं उनके एग्स को प्रिजर्व करके और वहाँ पे हैचिंग जब होती है तो एक डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है उन जो टर्टल्स होते हैं उनको फिर सी में छोड़ते हैं। बेसिकली ये सी टर्टल एक फेस्टिवल होता है जो कोंकण में सेलिब्रेट करते हैं बट ये सीज़न है फिर भी मुझे हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिल पाया। सो वी आर मिसिंग दैट इवेंट हियर। ये देख सकते हैं अभी एग्ज हैं और ये बेसिकली फीमेल टर्टल होती है जो सी पे आती है और वन टाइम में सिर्फ 120 एग्स देते हैं और वो होने के बाद
45 डेज में ये टर्टल हैचिंग होती है इनकी एग्स की। उसके बाद ये टर्टल साथ निकलते हैं उसमें से और इनको सी में छोड़ते हैं। बेसिकली ये जो आप नेट देख रहे हैं ये पब्लिक के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अरेंजमेंट है जो भी बंद था फिलहाल। सो वी मिस दिस वन। यहाँ से हम निकले अभी लाइट हाउस के लिए और ये बेसिकली अनजाने विलेज है जहाँ से रोड्स मेन रोड की तरफ जा रही है। यहाँ से जो लाइट हाउस है वो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे होम स्टे के, जैसा आप देख सकते हैं। तो रोड बेसिकली सी के पैरेलल में है, आप लेफ्ट साइड में सी दे सकते हैं और ये रोड से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है लाइक फॉर टूरिज्म द डेवलपमेंट इज़ गोइंग ऑन। आप देख सकते हैं कंक्रीट के ब्लॉक्स है जो, और ये एरिया है लाइट हाउस के पास में। You can see the lighthouse on the right side and we are just going to park our car there and unfortunately ye lighthouse band tha, kuch construction work chal raha hai usme। ये आप देख सकते हैं उस क्लिप के ऊपर से वीडियो है और ये बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है आपको। अगर आप इमेजिन कर सके अगर हम लाइट हाउस में होते थे और वहाँ के ऊपर से जाके ये हम वीडियो रिकॉर्ड करते होते तो ये कितना ब्यूटीफुल लगता था। लाइट हाउस से हम वापस अंजाले की तरफ चले और यहाँ पे हमको एक रास्ता दिख गया जहाँ से हम कार को डायरेक्टली बीच भी ले जा सकते थे। यहाँ पर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया और वापस हम अंजाले बीच के पास गए सनसेट के लिए। और हम आ गए हैं अभी उस पॉइंट पे जहाँ पे जोग नदी मिलती है सी से, उस पॉइंट पे हैं हम और यहाँ से हम लोग सनसेट का व्यू एंजॉय करेंगे। यहाँ पर हमें एक फिशिंग बोट दिखी जो कि सी से जोंग नदी की तरफ जा रही है विलेज में, और वो विलेज और अंजाले बेसिकली एक ब्रिज से कनेक्टेड है जिसे अंजाले ब्रिज भी बोलते हैं। इस पॉइंट पर भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, होपफुली 1 or 2 ईयर में ये भी एक टूरिज्म का एक अच्छा स्पॉट होगा। If you want to enjoy
piece of nature from a close range, Anjale Beach in Maharashtra is your ideal choice. The next time you plan a trip to Konkan region, do not forget to visit this one. हर शाम सूरज को देख के लगता है एक लम्हे में सिमट आया है पूरे दिन का सफर। हमने बहुत एंजॉय किया और वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज सपोर्ट आवर चैनल एंड मिलते हैं अनजाने के एक और प्लेस के बारे में नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।